बिहार में रहकर कभी नीतीश कुमार के सबसे करीबी और सबसे खास रहे प्रशांत किशोर अब बंगाल चुनाव पर अपना ध्यान आकर्षित कर चुके हैं। बंगाल में इस वक्त प्रशांत किशोर ममता बनर्जी का समर्थन कर रहे हैं और ममता बनर्जी के चुनावी रणनीतिकार बने हुए हैं। प्रशांत किशोर काफी दिनों के बाद एक बार फिर से मीडिया में आ गए हैं। हम आपको बता दें कि कल अमित शाह की जिस तरह से रोड शो हुई, यानी बंगाल दौरे पर जिस तरह से अमित शाह दो दिन के दौरे पर वो थे और लगातार भीड़ को दिखाते हुए अमित शाह गदगद हो गए। उन्होंने कहा कि जिंदगी में ऐसी भीड़ कभी नहीं देखी। उसके ठीक बाद प्रशांत किशोर का इस भीड़ को लेकर बयान आ गया। हम आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने सीधे मीडिया और भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठा दिया है। उन्होंने कहा है कि यह भीड़ क्रिएट किया गया है, यानी यह मीडिया की भीड़ है। बंगाल में बीजेपी समर्थक जो मीडिया है वो असलियत नहीं दिखा रही है, वो सिर्फ भाजपा का सपोर्ट कर रही है, यह कहना है प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर ने आज ट्वीट कर इस बात को लेकर हंगामा मचा दिया है। तो साफ है कि अब बिहार से नज़र हटाने के बाद प्रशांत किशोर बंगाल में भी कुछ ना कुछ करने को लेकर है। हालांकि जो समर्थन और प्यार भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त मिल रहा है, कयास इस बार बंगाल चुनाव में कुछ भी हो सकता है। हालांकि टीएमसी भी अपने दम को दिखाने में पीछे नहीं छूट रही है, बावजूद इसके कल अमित शाह रैली के बाद गदगद दिखे हैं। प्रशांत किशोर ने क्या कुछ ट्वीट किया है, तस्वीरों के माध्यम से हम आपके सामने रखते हैं।